नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। सबसे पहले बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार होने के बाद उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में समिति की ओर से सरकार को ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद प्रदेश में यूसीसी लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं इस मामले में जहां एक ओर यूसीसी को लेकर भाजपा उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। और इस बीच बीजेपी में यूसीसी पर विपक्ष से सहमति की उम्मीद दी गई है। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष यूसीसी के अध्ययन के लिए कमेटी का गठन करने जा रही है। यूसीसी के मामले पर बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यूसीसी को प्रदेश में लागू किया जाएगा, ये बिंदु उनके चुनावी घोषणा पत्र का एक अंग है। और अब यूसीसी का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। यूसीसी में जो प्रावधान है उसमें से कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिससे विवाद हो। वहीं समान नागरिक संहिता पर विपक्षी दलों की सहमति के सवाल पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बीजेपी खुद ही अपनी पीठ खुजाती रहती है। यूसीसी में क्या कानून बने हैं, क्या नियम बने हैं, अभी उसका पता नहीं है। ऐसे में विपक्ष का समर्थन मिल कैसे रहा है? माहरा ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में तमाम धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं, ऐसे में इन्हें सुझाव लिए गए या नहीं लिए गए इसका भी पता नहीं है। इसके साथ ही इस ड्राफ्ट को कब विधानसभा में पारित करेंगे, कब केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा, कब लोकसभा और राज्यसभा में पारित होगा, इसका अभी कुछ पता नहीं है। ऐसे में ड्राफ्ट में क्या है इसका पता चले तब ही विपक्ष की समर्थन की बात आएगी। हालांकि कांग्रेस भी इस मामले में टीम गठित करने जा रही है। अभी ये पता नहीं क्या उसमें कानून बने हैं, क्या नियम बने हैं, मुझे तो पता नहीं और ना तो पत्रकारों को पता है। तो आखिर समर्थन मिल कैसे रहा जब यही पता नहीं उसमें क्या है। गोवा से वो कितना मिलता जुलता है, गोवा के यूसीसी से कितना वो डिफर है, यही पता नहीं। क्या इन्होंने कानून ला रहे हैं, क्या चीज़ें हटा रहे हैं, जब इस बारे में जानकारी नहीं है कैसे पता है। उत्तराखंड में थारू रहते हैं, बुक्सा रहते हैं, भोटिया जनजाति रहती है, हमारे ये जो जौनसार के लोग रहते हैं, हमारे जो सनातन धर्म है उसी में कई किस्म के बाइफिकेशंस हैं। तो अभी यही पता नहीं कि उन लोगों को तो उनकी राय मशवरा है नहीं है, कमेटी में उनके प्रतिनिधि थे नहीं थे ये पता नहीं है, और कब इसको ये विधानसभा में पारित करेंगे, कब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा, वहाँ लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होगा, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अंदर मसौदा क्या है, लिफाफे के अंदर है क्या, ये तो पता चले तब तो उसका समर्थन या विपक्ष में कोई बात आएगी। हम लोग भी एक कमेटी का गठन करने पर विचार कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के नाम पर कॉटेज बेचने का मामला सोशल मीडिया पर इन दिनों चर्चा में बना हुआ है, और जिसमें भाजपा नेता का नाम जुड़े जाने से विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सरकार से जांच कराए जाने की मांग की है। वहीं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे के मुताबिक उनके पास इस तरह की शिकायत आई थी और उन्होंने जांच के बाद पाया कि जमीन का कॉर्बेट से कोई लेना देना नहीं है। जिस जमीन पर यह कॉटेज बनाई जा रही है वो कॉर्बेट की सीमा से 8 किलोमीटर दूर है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भाजपा को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उत्तराखंड को सख्त भू कानून की जरूरत है। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा उत्तराखंड से नहीं है और सरकार से मांग की है कि हिमाचल की तर्ज पर एक सख्त कानून उत्तराखंड वासियों को दिया जाए। हम सरकार से जांच करने की मांग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्य के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक सुशासन का राज दे रही है, उसमें किसी भी तरह से कोई भी हो किसी को भी जमीन खुर्द-फुर्द करने का कोई संभावनाएं नहीं है। निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अभी लगभग 2100 एकड़ जो फॉरेस्ट की थी उसको मुक्त करवाया गया है। किसी भी स्थान पर अगर इस तरह की कोई बात होगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और एक जांच का विषय है जो आपने कहा है। मामला भारतीय जन युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव, उत्तराखंड के भारतीय जन युवा मोर्चा के प्रभारी, दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा के विधायक प्रत्याशी हीरानगर से रहे तेजिंदर पाल सिंह बग्घा से जुड़ा हुआ है। तेजिंदर पाल सिंह बग्घा अपने ट्विटर हैंडल में अपना पूरा ब्यौरा देते हैं और साथ ही ये भी बताते हैं कि बीए प्रॉपर्टी वाला इन्हीं की कंपनी है, ये फाउंडर है बीए प्रॉपर्टी वाला के। अब जब हम बीए प्रॉपर्टी वाला के ट्विटर हैंडल पर जाते हैं तो बीए प्रॉपर्टी वाला एक वीडियो अपलोड करता है जिसमें वो 18 कॉटेज बनाने की बात करता है।
इधर धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी 4 जुलाई से कांवड़ मेले की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। हरिद्वार के डीएम धीराज सिंह गबरयाल और एसएसपी अजय ने हिल बाईपास मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को तय समय में मार्ग की मरम्मत का कार्य पूरा करने का निर्देश भी दिया गया। डीएम धीराज सिंह गबरयाल ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान भीड़ का दबाव बढ़ने पर हिल बाईपास मार्ग खोला जाएगा। कांवड़ मेले की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और प्रशासन किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और पीक आवर्स में या फिर पीक समय में जो कांवड़ हो या अन्य स्थान हो, उस समय हिल बाईपास वाली सड़क जो कि लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। और जिसमें से 1.6 किलोमीटर करीब पीडब्ल्यूडी के पास है और लगभग 6 किलोमीटर की लंबाई में जो सड़क है वो राजा जी नेशनल पार्क के है। तो इस कांवड़ में 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, 17-18 तारीख तक हम इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि 17 तारीख को सोमवती अमावस्या का स्नान भी है और उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। निरीक्षण इसलिए चल रहा है, हिल बाईपास हमारा बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है, जहां से हमारे कांवड़ के लोग को निकाला जाता है जब ज्यादा भीड़ होती है। साथ ही साथ मोतीचूर रेलवे स्टेशन पर भी हमारी स्पेशल ट्रेन चलेगी, जहां से कांवड़िए जो है हर की पैड़ी स्थानों पर जाएंगे, तो उन्हीं व्यवस्थाओं को देखने के लिए समस्त हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम यहां पर विजिट कर रही है। तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ मेले के दौरान पुलिस ने 150 से ज्यादा छोटे व्यापारियों को पहचान पत्र बांटे हैं और ये पत्र पुलिस द्वारा स्थानीय रेडी पटरी लगाने वाले व्यापारियों को बांटे गए हैं, ताकि उनके सत्यापन में परेशानी न आए। वहीं इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने विष्णुघाट पर व्यापारियों को पहचान पत्र बांटते हुए कांवड़ मेले में प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की। चोपड़ा ने कहा कि इस समय हरिद्वार में बाहर से हजारों की तादाद में लोग व्यापार करने पहुंचे हुए हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में स्थानीय छोटे व्यापारियों को उत्पीड़न सहन करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें पहचान पत्र दिए जा रहे हैं। कांवड़ मेला बड़ा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में स्ट्रीट वेंडर की भी पहचान होनी चाहिए, और स्ट्रीट वेंडर की पहचान के लिए हम लोगों ने संगठन के कार्ड दिए हैं, जो हमारे संगठन सदस्य हैं उन लोगों को हमने जो है परिचय पत्र मुहैया कराए हैं कि आने वाले समय में कि उनका अनावश्यक रूप से उत्पीड़न ना हो, शोषण ना हो। संगठन की पहचान होनी चाहिए, व्यापार मंडल अपने जो उनके सदस्य हैं उनको अपना कार्ड बनाकर देता है, धर्मशाला रक्षा समिति अपने मेंबरों को कार्ड बनाकर देती है। सबसे बड़ी दिक्कत किस बात की है कि स्थानीय स्ट्रीट वेंडर है, स्थानीय स्ट्रीट वेंडर जो है वो उत्पीड़ित होता है। बाहर का स्ट्रीट वेंडर कम से कम 10 से 15 हजार यहाँ पर आ गया है, और 15 हजार स्ट्रीट वेंडर आ गया है, उसकी पहचान होनी चाहिए, उसका पंजीकरण होना चाहिए, उसका सत्यापन होना चाहिए। देहरादून में जोशी मठ में आपदा प्रभावितों के वापस घर आने पर आपदा सचिव ने बयान देते हुए कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है और इस संबंध में जिलाधिकारी से बातचीत की गई है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भारी बारिश के अलर्ट के चलते प्रशासन सतर्क है और जिससे किसी भी हानि से बचाव किया जा सके। मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है और उसको देखते हुए हर घंटे कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं जोशी मठ आपदा पीड़ितों के मुआवजे की जानकारी देते हुए डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने बताया कि 80 परिवारों को मुआवजा दे दिया गया है, बाकी मुआवजे की व्यवस्था की गई है। जो भी पीड़ित किराए के भवन में रहना चाहते हैं उनके लिए 5,000 रुपए की व्यवस्था है, जो लोग कैंप में रहना चाहते हैं उनके लिए खाने पीने की उचित व्यवस्था की गई है। देहरादून के डोईवाला में एटीएम से पैसों की लूट के मामले में पुलिस ने जांच करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में कार्रवाई करते हुए देहरादून पुलिस ने अलग अलग सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया। पुलिस को सीसीटीवी के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार जो लोग चोरी में संलिप्त थे वो हरियाणा के मेवात क्षेत्र में छुपे हुए हैं और इन लोगों ने शातिराना तरीके से गाड़ी का नंबर प्लेट तक बदल कर इस घटना को अंजाम दे दिया। इसके अलावा चोरी करते वक्त एटीएम के बाहर के सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे करके उसे धुंधला कर दिया। हालांकि एटीएम के अंदर लगे कैमरे पर उसका ध्यान नहीं गया और जिस वजह से अंदर लगे कैमरे में चोरी के वक्त किया गया पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया। वहीं इस मामले में देहरादून पुलिस द्वारा हरियाणा के मेवात में दबिश देकर 2 लोगों को चोरी किए गए पैसों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पूछताछ में चोरों द्वारा उनके साथ 2 और लोगों के भी शामिल होने की जानकारी दी गई है, जिनकी तलाश में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है।
इधर नैनीताल के रामनगर में पूर्व सैनिकों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सांकेतिक धरना किया है। ये एक दिवसीय धरना पूर्व सैनिक कल्याण एवं उत्थान समिति के बैनर तले लखनपुर स्थित शहीद पार्क में किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिकों ने सरकार से अपनी लंबित मांगों का शीघ्र निराकरण करने की मांग की। पूर्व सैनिक भुवन डंगवाल ने बताया कि पूर्व सैनिकों द्वारा वन रैंक वन पेंशन समेत अपनी कई मांगों को लेकर लंबे समय से धरना देते हुए शासन एवं प्रशासन को ज्ञापन भेजा जा चुका है, लेकिन आज तक सरकार ने पूर्व सैनिकों की मांगों को पूरा नहीं किया है और जिससे अब पूर्व सैनिकों का रोष सरकार के खिलाफ बढ़ने लग गया है। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध करने के बाद भी सरकार पूर्व फौजियों की मांगों को अनसुना करने के साथ ही उनका शोषण कर रही है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि पूर्व सैनिकों की लंबित मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए, अन्यथा आंदोलन किया जाएगा। देहरादून में बनने वाले सैन्य धाम के लिए प्रदेश की सभी नदियों का जल इकट्ठा किया जा रहा है। हरिद्वार में भी पूर्व सैनिकों ने हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा पूजन किया और गंगा जल भरकर देहरादून के लिए रवाना किया गया। इस दौरान गंगा पूजन के दौरान हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। सांसद निशंक ने कहा कि सैन्य धाम बनना उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। निशंक ने सैन्य धाम को उत्तराखंड का पांचवा धाम बताया और कहा कि उत्तराखंड में सैन्य धाम बनना न सर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के ये गौरव का विषय है। गौरतलब है कि सरकार के प्रयास से उत्तराखंड में भव्य सैन्य धाम का निर्माण होने जा रहा है। उत्तराखंड की 16 पवित्र नदियों के जल से सैन्य धाम का पूजन किया जाएगा। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक हरिद्वार में हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर देहरादून के लिए रवाना हो गए। हर की पैड़ी का अपना विशेष महत्व है और आज यहाँ पर सभी मेरे जो सैनिक लोग हैं वो सभी आज माँ गंगा का पूजन कर रहे हैं और गंगा जल लेकर के और उत्तराखंड की सभी प्रमुख नदियों का पवित्र जल से वो सैन्य धाम की शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड इस देवभूमि में ये आज जो पांचवा धाम सैन्य धाम बन रहा है ये निश्चित रूप में न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है और इसलिए मैं आज ये हर की पैड़ी पर जो ये पूजन हो रहा है यहाँ से जो गंगा जल जाएगा मैं जो हमारे सहयोगी हैं और सब सैनिक यहाँ पर एकत्रित हैं बहुत उत्साह के साथ हैं और हमारे हरिद्वार से जितने सैनिक परिवार हैं। मानसून सीजन ने प्रदेश में अपनी दस्तक दे दी है, जहां आपदा प्रबंधन द्वारा मानसून से निपटने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं और इसी बीच पौड़ी से सटे बेंगवाड़ी गांव में मानसून के दस्तक के बाद दो वर्षों से जमीन दोज हुए सड़क को प्रशासन द्वारा चलने के लायक भी नहीं बनाया गया और उसके साथ आज भी बेंगवाड़ी गांव के ग्रामीण वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था से अपनी जल आपूर्ति कर रहे हैं। ग्राम प्रधान बेंगवाड़ी मधुकुशल ने कहा कि आपदा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा पैदल मार्ग पेयजल लाइन आदि को ठीक करने को लेकर तमाम दावे किए थे, मगर दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी गांव में कुछ नहीं बदला है। वहीं इस पूरे मामले में पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में अभी आया है। उनके द्वारा तत्काल मामले को दिखाने के बाद संबंधित गांव के रास्ते का पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन को ठीक करवाने व अन्य सुविधाओं को पूर्व की भांति स्थापित करने के लिए जल्द धन आवंटित कर दिया जाएगा। तो वहीं नैनीताल के रामनगर में कारोबारियों ने स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर धरना दिया और ये प्रदर्शन रानीखेत रोड पर अतिक्रमण के नाम पर हटाए गए सैकड़ों फड़ और ठेलों के खिलाफ किया गया है। वहीं इस मामले में व्यापारियों का कहना है कि नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण के नाम पर उन्हें उजाड़ने के साथ ही बेरोजगार करने की कार्रवाई की और उसके बाद वेंडर जोन के माध्यम से ठेले लगाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा वेंडर जोन नहीं बनाया गया और इस दौरान व्यापारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आज उनके आगे रोटी रोजी की समस्या गहराने लगी है। यदि उनकी अधिकारियों ने समस्याओं का समाधान नहीं किया, उनकी मांगे पूरी नहीं की तो उन्हें उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में साप्ताहिक हाट बाजार के दिन दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई होगी। ये कार्रवाई दिनेशपुर मुख्य मार्ग के किनारे दुकान लगाने वालों के खिलाफ की जाएगी। इसको लेकर दिनेशपुर थाना अध्यक्ष
अनिल उपाध्याय ने व्यापारियों को फरमान जारी कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि साप्ताहिक हाट बाजार के दिन भारी संख्या में लोग दिनेशपुर आते हैं। यहाँ मुख्य मार्ग के दोनों तरफ फड़ व्यवसाय के लोग दुकान लगाते हैं, जिससे नगर में हर 2 मिनट में जाम की स्थिति बनी रहती है। और इसी स्थिति को देखते हुए थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने सभी फड़ व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को अंतिम चेतावनी दी है और अन्य जगहों पर दुकान लगाने की बात कही है। इस दौरान थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने यह भी कहा कि साप्ताहिक हाट बाजार के दिन भारी संख्या में लोगों के कारण जाम की स्थिति को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। सड़क के किनारे में ठेले लगा रखे हैं, तो फड़ विक्रेता जैसे कि हमारा अभियान चल रहा है तो उसी पे इन्हें निर्देशित किया गया है। फर्स्ट वार्निंग दी गई है इस टाइम इनको, और फ्यूचर में अगर ये फिर दोबारा से यहाँ पे वहाँ या तस्वीर या कुछ लगाएंगे तो उसके खिलाफ हमारे कदम पे अभियान चला के कार्रवाई की। नैनीताल के कुमायूं मंडल में पिछले 48 घंटों से भारी बारिश जारी है और जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पिथौरागढ़ जिले से लेकर नैनीताल जिले तक लगातार भारी बारिश से आम लोग परेशान हैं। वहीं नैनीताल के भवानी में वाहनों पर भी लैंडस्लाइड होने की घटना सामने आई। हालांकि उस वक्त वाहन के अंदर कोई मौजूद नहीं था। पिछले कई घंटों से जारी बारिश को लेकर कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि पूरे मंडल में 32 सड़कें बंद हैं, जिनमें से 30 सड़कों को खोल दिया गया है। बाकी एक सड़क 5 जुलाई तक खोली जाएगी और दूसरी सड़क 15 जुलाई तक खोल दी जाएगी। फिलहाल पूरे कुमाऊं मंडल में बारिश का असर बना हुआ है, जिसमें से 5 भवन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं और 4 अन्य भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिन्हें शासन के नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया गतिमान है। प्रदेश में बदलते मौसम के हालातों को देखते हुए सिंचाई विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। नैनीताल के रामनगर में कोसी बैराज के सभी गेट हाईटेक सेंसर के माध्यम से संचालित होंगे और इस संबंध में सिंचाई विभाग के अपर अभियंता जावेद अहमद ने बताया कि कोसी बैराज पर 10 गेटों से पानी की निकासी का कार्य किया जाता है और मानसून के दौरान कोसी बैराज का जल स्तर बढ़ने की वजह से तैनात कर्मचारियों द्वारा हाथों से गेट को उठाने का कार्य किया जाता था, जिसको देखते हुए उन्होंने बताया कि अब बैराज पर लगे सभी गेटों को हाईटेक करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 15 जुलाई तक इन सभी गेटों को नई तकनीकी के तहत जोड़ दिया जाएगा। अपर अभियंता ने बताया कि कोसी बैराज क्षेत्र में 10 सीसीटीवी कैमरे और 3 सेंसर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नदी में होने वाली गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। बैराज जो हमारा पुराना होता था, जैसे जनरेटर चलाएंगे और मोटर रोटेट करेगी, गेट उठेगा, लेकिन जो ऑटोमेशन का कार्य है मतलब प्रारंभ हो चुका है। मतलब 15 जुलाई तक उम्मीद ये है कि वो 15 जुलाई तक मतलब काम पूरा हो जाएगा। उसमें यह है, उस तकनीक में यह है, जैसे वाटर लेवल बढ़ता है तो सेंसर के माध्यम से गेट ऑटोमेटिक मतलब खुद ही उठ जाएगा। जितना गेट उठना है, सपोज मान लो 30 सेंटीमीटर उठना है, 40 सेंटीमीटर उठना है, तो जितना जितना लेवल बढ़ेगा उस हिसाब से गेट मतलब वो खुद ही उठ जाएगा ऑटोमेशन में। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब आप एपीएन न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है APNNews.in, कहीं भी कभी भी।